दोस्तों 15 अगस्त या 26 जनवरी या किसी भी राष्ट्रीय त्यौहार के मौके पर हमारे देश में तिरंगा फहराया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तिरंगे को बनाने के पीछे की कहानी क्या है? जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि हमारे तिरंगे को बनने में पूरे 90 सालों का समय लगा? वर्तमान तिरंगे को बनने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि इस तिरंगे का डिज़ाइन, इसमें क्या रंग होना चाहिए, इसमें संपूर्ण रूप से किस तरीके से भारत, पूरा भारत रिप्रेजेंट हो, यह चीज़ आना चाहिए, इसके बारे में बहुत वाद विवाद चला और बहुत समय के बाद, 90 सालों के बाद ये तिरंगा हमारे सामने है। दोस्तों बात शुरू होती है सन 1857 के मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ पहला सार्वजनिक विद्रोह हुआ और इस सार्वजनिक विद्रोह के समय में भारत में एक राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता महसूस हुई और इसी राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता के महसूस करने के बाद एक नेशनल फ्लैग, जिसको कि आप एक राष्ट्रीय ध्वज मान सकते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है उसके बारे में लोगों ने चर्चा शुरू करी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भारत में पहला ध्वज स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा 1904 में बनाया गया था, जिसे कि 1906 में कलकत्ता के ग्रीन पार्क में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान फहराया गया। इस झंडे में लाल, पीला और हरे रंग दिए गए और एक पीली पट्टी के ऊपर वंदे मातरम लिखा गया, जो कि इसके बीच में लिखा गया। इसी झंडे में सबसे ऊपर 8 कमल बनाए गए और साथ ही साथ चांद और तारे बनाए गए, जिससे ये रिप्रेजेंट हो कि ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कड़ी में सचिंद्र नाथ बोस ने भी एक झंडा दिया, जिसको कि 7 अगस्त 1906 में उन्होंने प्रकाशित किया और साथ ही साथ 23 अप्रैल सन 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने होलसम आंदोलन के समय एक ध्वज का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश ध्वज जो दिखाया गया उसके अंदर में भारत दिखाया गया, क्योंकि भारत एक यूनियन टेरिटरी नहीं था, भारत उस समय में ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरी के रूप में जाना जाता था। 1921 में विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की विजिट के दौरान पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति ने एक झंडा महात्मा गांधी को भेंट किया, झंडे के बीचों बीच उन्होंने चरखे का प्रयोग किया गया। अब इस चरखे के प्रयोग के कारण महात्मा गांधी को ये अच्छा तो लगा, लेकिन उनका कहना था कि इसमें पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, और बाद में आगे चल करके उसमें से चरखा हटा करके अशोक चक्र रखा गया, जिसमें कि 24 तीलियां जो कि आप देखते हैं जो वर्तमान झंडे में है वो रखी गई, जिसमें कि सफेद रंग शांति का प्रतीक था, केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक था, और हरा रंग समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी का रिप्रेजेंटेशन माना गया। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा में तिरंगे को अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को पहली बार ये तिरंगा, जिसको कि हम अभी वर्तमान में तिरंगे के रूप में देखते हैं, ये तिरंगा फहराया गया। और दोस्तों तब से लेकर के अभी तक तिरंगा इसी तरीके से फहराया जाता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि इस वर्तमान तिरंगे में जो एक अनुपात है तिरंगे के साइज़ का, वो 3:2 का रेशियो के रूप में लिया जाता है, और इसीलिए भारत में एक झंडा कोड की स्थापना भी की गई, जिसमें कि भारतीय झंडे का प्रयोग किस तरीके से किया जाए, किस समय इसको फहराया जाए, किस समय इसको हटाया जाए और इसको किस तरीके से फोल्ड करके सम्मान पूर्वक रखा जाए, इसका भी प्रावधान किया गया। तो दोस्तों अगर माना जाए तो भारत में जो झंडा तिरंगे के रूप में हम लोग यूज करते हैं, इसका डिजाइन आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था, और 1916 में पिंगली वेंकैया ने अपने दो दोस्तों की मदद ली, जिसके माध्यम से यह डिजाइन तैयार किया गया और नेशनल फ्लैग मिशन की भी स्थापना की गई। तो दोस्तों ये थी तिरंगे की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 15 अगस्त या 26 जनवरी के मौके पर तिरंगे को किस तरीके से फहराया जाए, इसका ध्यान रखिएगा और इसका पालन कीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।